हेलो एवरीवन वेलकम टू आर बी गुड आइडियाज़ क्या आप पॉलीनोमल्स चैप्टर के मास्टर बनना चाहते हैं अगर हाँ तो फिर ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है बिकॉज़ इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमेल्स के की कंसेप्ट को समझेंगे और हर टॉपिक पर थोड़ा थोड़ा यूज़फुल डिस्कशन भी करेंगे इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आप मेरे ब्लॉग और पॉडकास्ट को भी चेक कीजिए मेरा ब्लॉग है पढ़ाई हेल्पर डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम और मेरा पॉडकास्ट है आर बी गुड आइडिया आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए और पेन एंड नोटबुक ले आइए क्योंकि स्क्रीन पर आपको जो कुछ भी दिखेगा वो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट बट ईजी है कि आप उसे बिना नोट डाउन किए नहीं मानेंगे लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक आपने नाइंथ क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा वट इज पॉलिनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड को एफिशियंट दैट इन्वॉल्व ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स और को एफिशियंट्स होते हैं जिसमें ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स का यूज किया जाता है उसे पॉलिनोमियल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन टू फोर एक्स प्लस टू फाइव एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इन सारे एग्जाम्पल्स में एक्स वेरिएबल है जबकि माइनस फोर फोर फाइव एक्सेट्रा कोफिशेंट्स हैं आपने प्रीवियस क्लास में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ा होगा व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक पॉलिनोमियल में यूज़ किए गए वेरिएबल का हाइएस्ट पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है फॉर एग्ज़ाम्पल फोर एक्स प्लस टू फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में x वेरिएबल है और उसका पावर वन है इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री वन है सेकंड एग्ज़ाम्पल है टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस फोर इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल है वाई वाई का हाईएस्ट पावर है स्क्वायर इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री टू है थर्ड एग्जाम्पल है सेवन यू पर पावर सिक्स माइनस थ्री बाई टू यू पर पावर फोर प्लस यू माइनस एट यहां वेरिएबल है u, u का हाईएस्ट पावर है सिक्स इसलिए द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज सिक्स थर्ड टॉपिक है लीनियर पॉलिनोमियल। वाट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो या जिसका हाईएस्ट पावर वन हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस रूट टू टू बाई थ्री यू प्लस वन एक्स माइनस टू बाई अलेवन इन सारे एग्जाम्पल्स में आने वाले पॉलिनोमियल्स की डिग्री वन है देयरफॉर ये सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू बाई फाइव वाई स्क्वायर माइनस टू टू माइनस वी स्क्वायर प्लस रूट थ्री वी यहां पर मैंने तीन एग्जांपल्स बताए और तीनों एग्जांपल्स की डिग्री टू है इसलिए ये सभी एग्जांपल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं वट इज द मीनिंग ऑफ क्वाडरेटिक वर्ड क्वाडेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम क्वाडरेट विच मीन्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक वर्ड क्वाड्रेट से लिया गया है क्वाड्रेट का मीनिंग होता है स्क्वायर आप सब ने नाइन्थ क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पर भी काफ़ी सम्स सॉल्व किए होंगे व्हाट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी हाइएस्ट पावर थ्री हो उन्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं एग्जाम्पल के लिए टू माइनस एक्स क्यूब एक्स क्यूब थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन इन तीनों एग्जांपल्स में हाईएस्ट पावर थ्री है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं अब हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है जनरली टेंथ क्लास में हमें तीन टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं लिनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज़ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इन सभी जनरल फॉर्म्स में आने वाले ए बी सी या डी सभी रियल नंबर्स हैं इनके बदले में क्वेश्चन में कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव नंबर्स हो सकती हैं एक इम्पॉर्टेंट बात और जिस पर हम फोकस करते हैं वो ये कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो अगर ए इक्वल टू ज़ीरो होगा तो उस पॉलिनोमियल का फॉर्म चेंज हो जाएगा वो पॉलिनोमियल क्यूबिक से क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक से लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा सो ए मस्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ एक्सप्रेशन लिखे तो होते हैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में लेकिन वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते आपको थोड़ी हैरत होती होगी और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी आइए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल नहीं हो सकता फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में है वन बाई एक्स माइनस वन ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर वन को x माइनस वन से डिवाइड किया जा रहा एक्स माइनस वन में x वेरिएबल है एंड किसी भी वेरिएबल से डिवीज़न अलाउड नहीं है सेकंड एग्जांपल में गिवन है रूट एक्स प्लस टू रूट का मतलब हुआ वन बाई टू का पावर वन बाई टू एक कंप्लीट पावर नहीं है ये एक फ्रैक्शनल पावर है कंप्लीट पावर होता है ज़ीरो या वन या टू या थ्री एंड सो ऑन अगर किसी एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल सेक्शन के साथ इस तरह का फ्रैक्शनल पावर यूज़ किया जाता है तो वो एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि पॉलीनोमियल के लिए फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट का यूज़ करना अलाउड नहीं है नाउ इन थर्ड एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन इज़ थ्री एक्स वाई एंड वाई पर पावर माइनस स्क्वायर इस एक्सप्रेशन में निगेटिव एक्सपोनेंट का यूज़ किया गया है निगेटिव एक्सपोनेंट का यूज़ पॉलिनोमियल के लिए अलाउड नहीं है हेंस दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल नाउ वी मूव ऑन द टॉपिक एट के इज सेट टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इज इक्वल टू जीरो अगर पी के इक्वल टू ज़ीरो देन के को पॉलिनोमियल पी एक्स का ज़ीरो कहेंगे अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होते हैं उनका फॉर्म क्या होता है और ज़ीरोज़ का नाम क्या होता है इसे मैं एक चार्ट की हेल्प से आपको समझाता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ़ जीरोज़ वन होता है जीरोस का फॉर्म माइनस बी बाई ए होता है और लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस का नाम अल्फा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ़ जीरोस होते हैं टू पहले वाले जीरोस का फॉर्म होता है माइनस बी बाई ए और दूसरे वाले जीरोस का फॉर्म होता है सी बाई ए इस टाइप के पॉलिनोमियल्स के पहले वाले जीरोस का नाम अल्फा और दूसरे का नाम बीटा होता है इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में थ्री जीरोज़ होते हैं पहले वाले ज़ीरोज़ का फॉर्म माइनस बी बाई ए दूसरे वाले ज़ीरोज़ का फॉर्म सी बाई ए और तीसरे वाले जीरोज़ का फॉर्म माइनस डी बाई ए होता है पहले का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा एंड तीसरे का नाम गामा है अब हम आ चुके हैं टॉपिक नंबर टेन में बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ओनली फॉर कंसेप्ट जीरो ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल इज रिलेटेड टू इट्स कोइफिशियंट्स किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो उसके कोइफिशियंट से रिलेटेड होता है एन सी ई आर टी मैथ में हमें एक्सरसाइज टू पॉइंट वन बनाना होता है ये ग्राफ कंसेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज है दैट इज़ वाई हमें चार्ट नंबर अलेवन को थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक पैराबोला के शेप का होता है जबकि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ फॉर्म वेवी या डबल पैराबोला जैसा होता है लेट्स मूव ऑन टॉपिक ट्वेल्व जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इज एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स और कट्स और टच द एक्स एक्सिस वी ऑलवेज कंसीडर द एक्स एक्सिस फॉर ज़ीरोज इस्पेक्टिव ऑफ वेरिएबल्स यूज इन द पॉलीनोमियल किसी ग्राफ पेपर पर एक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ क्या होता है या हम इसे कैसे पहचानते हैं जब हम किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या फिर टच करता है ग्राफ की लाइन जिस जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगी या टच करेगी वो सारे पॉइंट्स उस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस को ही ध्यान में रखते हैं वाई एक्सिस को नहीं और ना ही पॉलिनोमियल में दिए गए वेरिएबल से कंफ्यूज होते हैं वेरिएबल चाहे एक्स हो वाई हो यू हो या वी हो हम फोकस करेंगे एक्स एक्सिस पर नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ केसेस और जीरोस के बीच क्या रिलेशन होता है अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करता है तो नंबर ऑफ जीरोज़ टू होता है यानी टू ज़ीरोज़ होते हैं अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को वन पॉइंट पर कट करता है या टच करता है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ वन होता है यानी आप लिखेंगे तो टू ज़ीरोज़ ही क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टू ज़ीरोज़ ही होते हैं ना कम और ना ज़्यादा लेकिन इन दोनों ज़ीरोज़ के वैल्यू सेम टू सेम होंगे एंड इफ़ ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच ना करे तो ऐसे में कोई ज़ीरोज़ नहीं होगा यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जीरो होगा चलते चलते एक चार्ट और समझा देता हूँ यूजफुल एंड वेरी इजी चार्ट है इसका रिलेशन टॉपिक नंबर थर्टीन से भी है लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है इसलिए इसमें एट मोस्ट वन जीरोज ही होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री टू है इसलिए टू जीरोज होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री थ्री होने के कारण इसके ज़ीरोज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा थ्री होंगे थ्री से कम नहीं थ्री से ज़्यादा नहीं डिग्री फोर के पॉलीनोमियल के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फोर ही होते हैं इसी तरह डिग्री फाइव के पॉलीनोमियल के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फ़ाइव होंगे इट मींस अगर कोई पॉलिनोमियल डिग्री एन का है तो उसके ज़ीरोज़ भी एन होंगे इस चार्ट से यह क्लियर हो जाता है कि जितनी डिग्री उतने ही जीरोज सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ दिस थ्योरी सेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स इज वेरी वेरी क्लियर टू यू इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ एंड डू क्लिक द नोटिफिकेशन Bell to get notified about new videos. You can check my FB page and Instagram handle with the same name. For more videos and important playlists, I put the link below the description. Please have a look there. Thank you and visit again.